हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड आई वेलकम यू ऑल इनटू माय चैनल लर्न विद निक। सो गाइस, टेस्टनेट रिजल्ट्स आर आउट एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू हु हैव लाइक क्लियर द कट ऑफ फॉर देयर रिस्पेक्टिव चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम। एंड द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज टू लाइक टेल यू अबाउट वॉट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट एंड हाउ टू गियर अप फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट पार्ट्स। So I was in my office right now and let me just give you a quick update. I am right now in Lal Kuan area of Nainital district. So our program HRM and LR provides us with 4 fieldwork internships and my second fieldwork internship is actually on site. It is in Century Paper and Pulp. So that's where I'm posted and I'll be staying there here for the month. So coming to the point, now you all have to prepare for the online assessment parts. So online assessment parts, basically it consists of 3 things: detailed application form, extempore round and the PI part. Okay, but before going into this part, I'll address one key concern to all the students, like especially the students who have cleared the cutoff by 1 or 2 marks. I've seen that most of the times they tend to like underestimate themselves and they feel that ki yaar mera to bahut kam marks se कट ऑफ निकल रहा है, 1 मार्क से निकल रहा है, 2 मार्क से निकल रहा है, तो शायद मैं प्रोग्राम कन्वर्ट ना कर पाऊँ। तो एक स्ट्रेट आंसर मेरे साइड से उसके लिए ये रहेगा कि बिल्कुल भी मत सोचो कि 1 मार्क से निकल रहा है, 2 मार्क से निकल रहा है। तुम्हारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत हद तक इंटरव्यू पे भी डिपेंड करते हैं। एज़ यू नो कि 50% ऑफ द पार्ट जो ऑनलाइन इंटरव्यू और असेसमेंट्स का पार्ट है, एक्सटेम्पोर का पार्ट है, तो आप वहाँ पर उन लोगों से आगे निकल सकते हो जिन्होंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा मार्जिन से क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एक्सटेम्पोर एंड द ऑनलाइन इंटरव्यू पार्ट। और एक बेसिक फ्रेमवर्क मैं अभी दूंगा, मैं ट्राई करूँगा कि इन तीनों ही पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो फॉर्म कर पाऊँ, सो एज़ टू टेल यू कि मैंने कैसे इन चीज़ों का अप्रोच किया था। बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक टू यू लाइक अबाउट द बेसिक फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू फॉलो। सो कमिंग फर्स्ट टू द पॉइंट, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका पहला स्टेप होगा, आप वो फिल करोगे। उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट डेट्स पे आपको आपके एक्सटेम्पोर और पीआई के स्लॉट्स मिलेंगे। तो जो प्रिपरेशन आपको करनी है, सबसे पहले आपको अभी या फिर आज अगर रेस्ट लेना चाहते हो तो कल से, बट आई वुड सजेस्ट कि आज से ही डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करना है इस चीज़ की तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। आई रियली होप कि वो इस बार भी सेम ही रहें। तो पहला जो क्वेश्चन होता है आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, वो होता है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एक बायोग्राफिकल स्केच लिखना है आपको अपना, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है, 250 वर्ड्स में लिखना होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कि अगर आपने जो भी आपका प्रोग्राम चॉइस है उसकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ काम किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी आपने प्रोजेक्ट किया हो, इंटर्नशिप की हो, सर्टिफिकेशन हो, कुछ भी उस डायरेक्शन में आपने इनिशिएटिव अगर लिया है तो वो आपको मेंशन करना होता है। सो आई सजेस्ट यू कि अभी से ही इन तीनों चीज़ों को आप डेली ध्यान देना चालू करो, इन पे पॉइंट्स बनाओ थोड़ा सा। अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा वो आप यूनिक होगा और वो आपके एक्सपीरियंसेस से ही बिल्ड होगा। और आपको बेसिकली यही करना है कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको ये इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपका जो इंटरेस्ट है इस कोर्स में आया, ठीक है। तो जो आप अगर ऑनलाइन असेसमेंट का पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आप देखना एक चीज़ लिखी होती है कि आपकी जो कोर्स की सूटेबिलिटी और इंटरेस्ट पे वो असेस करते हैं आपको। तो आपका जो एम है as a student, as a prospective student of TIASS in the respective program, आपका जो aim है वो ये है कि मैं कैसे अपने experiences को और अपने interests को program का जो motive है उससे align करूँ, ठीक है। तो basically आप यही कर रहे होगे। तो आपका जो भी interest of program है, आप थोड़ा अपने background में जाओ, थोड़ा आप schooling से लेकर के, college से लेकर के आप सोचो कि आपने उस फील्ड में कहाँ कहाँ पर काम किया था और उस काम को करने की वजह से कैसे कैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में आया, ठीक है। याद रखना कि जितना ज़्यादा आप अच्छे से इस पार्ट को करोगे उतना ज़्यादा आपके ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू वाले पार्ट में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो डिटेल इंटरव्यू, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है
इसमें अगर आप मेहनत करोगे तो बेसिकली आप अपने इंटरव्यू के जो पार्ट में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं उसमें आप अपना एफर्ट कम कर रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स, ये वैसा ही क्वेश्चन है वाई एम बी ए, वाई एच आर एम एन एल आर, वाई ओ डी सी एल, ठीक है, वाई एल एस पी, जो भी कोर्सेस आपने फिल किए हैं ये उस चीज़ का आंसर है। और उस चीज़ को आंसर करने के लिए ही आपको आपको इन कोर्सेज की सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है, आपका जो भी कोर्स चॉइस है जिसका आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है और जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप उस कोर्स के एलमनाई से कनेक्ट करो, जो एग्जिस्टिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं आप उनसे कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप सर्च करो उस कोर्स का नाम लिख करके, आपको लोग मिलेंगे, आप उनको मैसेज करो, उनको कोल्ड ईमेल करो, ठीक है, फेसबुक पे ढूंढो, ठीक है, किसी तरीके से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की ट्राई करो और फाइंड आउट करो कि वहाँ पर उस कोर्स में क्या डिमांड है उस कोर्स की और क्या आप पढ़ने वाले हो। इससे आप अपने आंसर को बेटर फ्रेम कर पाओगे। इसके अलावा जो टिस्नेट की वेबसाइट है, टिस की वेबसाइट है, उस पर कोर्स रिलेटेड डिटेल दी हुई है। उस कोर्स का जो सिलेबस है उसको गूगल करो, उसमें उसके अंदर और क्या क्या उसके डायमेंशंस है वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है। एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है उस कोर्स के बारे में, ताकि आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर पाओ कि आपने जो है अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है इस इंटरव्यू के देने से पहले अपने डिज़ायर्ड कोर्स की। उससे समझ में आएगा कि हाँ आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हो इस प्रोग्राम में आने के लिए, ठीक है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एस्पायरेंट रिलेशंस कमेटी, एचआरएम एंड एलआर कोर्स वालों के लिए। तो एचआरएम एंड एलआर हमारे बैच में हमारी एक कमेटी होती है, एस्पायरेंट रिलेशंस कमेटी, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। तो जिनका भी एचआरएम एंड एलआर का कट ऑफ क्लियर हुआ है, वो एक ग्रुप है एस्पायरेंट रिलेशंस कमेटी का, वो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर उनका चैनल है, फेसबुक पर है, आप वो उस पर एक फॉर्म फ्लोट करेंगे टिस्नेट ओपीआई प्रिपरेशन का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि वो लिंक नीचे इस वीडियो में अटैच कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज के लोग हैं वो भी अपने अपने रेस्पेक्टिव सेकेंड ईयर स्टूडेंट से कनेक्ट करें, अपने एलमनाइज से जो उस कोर्स को करके पास आउट हो चुके हैं उनसे आप कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, और उससे ट्राई करो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने की। ये तो था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 100% होंगे ही, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स, आपका जो बायोग्राफिकल स्केच है, ठीक है, और जो आपने रिलेवेंट फील्ड में वर्क किया है, इन क्वेश्चंस का आप एक मेंटल पिक्चर बनाना स्टार्ट करो अभी से। ध्यान रखना, आप पहले सबसे पहले आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं आप उनको नोट डाउन करो एक पेपर में या फिर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद धीरे 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 ओवर द डेज आप इन सारे थॉट्स को रिफाइन करोगे और परफेक्टली अलाइन करोगे कि हाँ किन किन एक्सपीरियंसेस के वजह से आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर कोर्स में आया और आप कैसे इस पर्टिकुलर कोर्स में वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कितने सूटेबल हो इस कोर्स के लिए, आपको अपने आप को मोस्ट सूटेबल बनाना है, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड दिखना है इस कोर्स के लिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखना है, और वो चीज़ आपको कन्वे करनी है अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के हेल्प से, ठीक है। तो ये एक रफ लेआउट था, और आज के वीडियो में आई थिंक इतना ही करते हैं। इन डायरेक्शन में सोचना चालू करो, और जैसे ही फॉर्म ओपन होगा अच्छे से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ट्राई करो। माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल एंड इफ़ यू आर डिराइविंग सम वैल्यू फ्रॉम इट, इट्स हेल्पिंग यू इन एनी वे, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। I'll see you in my next video. Have a great day. Bye-bye.